नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। अब शुरुआत कर लेते हैं 22 जुलाई 22 खबरों की। और आपको बता दें कि महेंद्रगढ़ के नांगन चौधरी के गांव जैनपुर के अरावले क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन के समय भूस्खलन होने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, वहीं एक घायल है। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने लोगों के मलबे में दबे होने की सूचना पर तकरीबन 2 घंटे से ऊपर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। दोनों युवक राजस्थान के रहने वाले हैं और जांच जारी है। मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। 1500 रुपये मॉर्निंग 10:30 बजे की घटना है। जैसे ही हमें पता चला है कि हमने यहाँ पे ये माइनिंग चल रही थी और इसमें थोड़ी बहुत लैंडस्लाइडिंग हुई है। लैंडस्लाइडिंग में एक कैजुअल्टी हुई है, एक इंजर्ड बताया जा रहा है। सर, ये जो इंजर्ड हैं ये कहाँ के? अभी ये जांच चल रही है, अभी ये कंफर्म तो नहीं हो पाया कि ये कहाँ के हैं, लेकिन राजस्थान के बताए जा रहे हैं। फॉरेस्ट एरिया है ये, सारा का सारा इलीगल माइनिंग है जी, यहाँ पे माइनिंग अलाउड नहीं है, फॉरेस्ट एरिया है। हमारे को सूचना करीब 1:30-2 बजे के आसपास ये सूचना मिली कि जैनापुर का जो पहाड़ है इसमें कोई अवैध माइनिंग कर रहे थे। उस दौरान जो कुछ पत्थर ऊपर से गिरने से कोई आदमी उसके नीचे दब और वो जो उसको निकाल के ले गए। जिस सूचना पर हम पहुँचे यहाँ देखा तो कोई भी आदमी तो यहाँ कोई नहीं था, परंतु ये पता लगा कि जो एक आदमी जो दबा था पत्थर ऊपर गिरने से उसकी एक की डेथ होगी और एक आदमी चौके लगे। सर, उनकी कोई पहचान भी हो पाई? पहचान तो ये पाटन थाना एरिया के बताए गए हैं, अभी तक कंफर्म कुछ नहीं होता। सर ये अभी जानकारी मिली है 1500 रुपये। तो आपको बता दें कि अवैध खनन का खेल कब बंद होगा, ये एक बड़ा सवाल पैदा होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि इंडिया न्यूज के सवाल, जो अब डाडम हादसे के बाद क्यों नहीं जागा प्रशासन, अवैध खनन के लिए कहां से आता है विस्फोटक। आपको बता दें कि जिस तरीके से अवैध खनन लगातार जारी है उसी को लेकर के अब इंडिया ने उसका सवाल, अब किसकी शह पर अवैध खनन चल रहा है, किसकी शह पर अवैध खनन चल रहा है, ये एक बड़ा सवाल देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि अवैध खनन का खेल कब बंद होगा, ये एक बड़ा सवाल है। और वहीं डाडम हादसे के बाद आखिर क्यों नहीं जागा है प्रशासन, वहीं आपको ये भी बता दें कि ये भी सवाल खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है कि अवैध खनन के लिए विस्फोटक कहां से आता है, किसकी शह पर अवैध खनन चल रहा है। तेईस जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर जय हिंद बोस बोलकर पराक्रम दिवस मनाने वाले हरियाणा के लाखों लोग उन सभी 3,27,000 शहीद स्वतंत्रता सेनानियों को भी नमन करेंगे जिन्होंने देश की खातिर जीवन दे दिया है। प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के दिशा निर्देशानुसार पर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। पराक्रम दिवस की तैयारी सभी जिलों में दौरा कर चुके प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ बुधवार को गुरुग्राम जिले में पहुंचे और यहां मानेसर में एक सभा के जरिए कार्यकर्ताओं को बताया कि कांग्रेस की साजिश के चलते भुलाए गए शहीदों को याद कर उनकी वीर गाथाओं को घर घर पहुंचाना है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भुलाए गए शहीदों को सम्मान दिलाने में लगा है। उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस की वो हकीकत भी लोगों को बता रहे हैं जिसके चलते लाखों शहीदों को भुला दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने आजादी का श्रेय केवल खुद तक ही सीमित रखा है, लेकिन भाजपा चाहती है कि आजादी का श्रेय हर उस स्वतंत्रता सेनानी को मिले जिनको अब तक भुलाए रखा गया है। भारत सरकार ने पराक्रम दिवस घोषित किया है, उस दिन पूरे हरियाणा की हर पंचायत में, हर वार्ड में 75-75 लोगों के साथ देश के सभी स्वतंत्रता सेनानी परिवारों और सभी शहीद परिवारों को बुलाकर, जो उस इलाके के हैं, उस वार्ड के हैं, उस पंचायत के हैं, उनको सम्मानित करेंगे, नेताजी को पुष्पांजलि करेंगे, आज़ाद हिंद फौज के गीत गाएंगे, वंदे मातरम गाएंगे और उन वीर सैनिकों के योगदान को जो हरियाणा के उस सेना में थे या देश भर के लोग जो बलिदान हुए उनको याद करेंगे। और इस अमृत महोत्सव में हमने बाकी भी सब वीरों की जो अपनी इस भूमि के लिए, इसकी आज़ादी के लिए, चाहे वो प्रथम विश्व युद्ध में लड़े, चाहे वो नेताजी के साथ लड़े, चाहे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल के साथ लड़े,
और चाहे कांग्रेस के आंदोलन में लड़े, उन सब को सम्मानित करेंगे, उन सब का आदर करेंगे। चरखीदादरी पहुंचे इनेलो विधायक अभय चौटाला ने जेजेपी पर बड़ा हमला बोला है। अभय चौटाला ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर पलटवार करते हुए कहा कि जेजेपी तो भाजपा से बिकी हुई है, जेजेपी का कभी भी भाजपा में विलय हो सकता है, जिसके बाद जेजेपी का प्रदेश में कोई जनाधार ही नहीं रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि दूसरों पर लांछन लगाने वालों को पहले अपने किरबा में झांक लेना चाहिए। वो तो भाजपा के बिके हुए लोग हैं। आप बहुत जल्द ये भी सुनोगे कि जजपा का और भाजपा का गठबंधन नहीं, दोनों का विलय हो गया। ये विलय करेंगे बहुत जल्दी, ये लोग जो है भाजपा में शामिल। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत प्रदेश में लागू मिनी लॉकडाउन को बढ़ाकर 28 जनवरी तक कर दिया गया है। सरकार द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइन में कुछ छूट जरूर दी गई है। दुकानदारों ने भी सरकार से अपनी दुकान खोलने का समय बढ़ाने की मांग की है। हमारे संवाददाता महेंद्र सिंह की खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत सरकार ने मिनी लॉकडाउन 28 जनवरी तक लागू कर दिया गया है। ऐसे में कुछ छूट भी दी गई है, उनको देखते हैं कि बाजार पर उनका क्या असर रहेगा और लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं जिस तरह से मिनी लॉकडाउन की सीमा को बढ़ाकर 28 जनवरी किया गया है। क्या इसका असर कोरोना संक्रमण पर रहेगा, क्या लोगों की राय है इस बारे में कि किस तरह की छूट इसमें शामिल की जानी चाहिए या कई और प्रतिबंध इसमें लगने चाहिए। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे कि वो क्या अपनी प्रतिक्रियाएं रखते हैं। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम संकल्प भंडारी है। तो भंडारी, अभी जिस तरह से लॉकडाउन जो है वो 28 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है, कुछ छूट दी गई है जैसे स्पा है या जिम है, इसके अलावा ठेकों की समय सीमा बढ़ा दी गई है, क्या देखते हैं इस तरह से? देखिए, जैसे कि अब आज भी आपने देखा होगा कि दिल्ली और जितने भी मल्टीनेशनल जो हमारे राज्य हैं उनमें भी आज ग्राफ डाउन आया है, ये एक अच्छा संकेत है। लेकिन इससे ये लापरवाही लोगों की ना बढ़े, हमें चाहिए अभी सतर्कता सबके अंदर रहे, अपना मास्क प्रयोग करें, अपने हाथ थोड़ी थोड़ी देर बाद सैनिटाइज करते रहे और घर के अंदर जाने से पहले अपना हाथ पूरा अच्छी तरह वॉश करें, फिर अपने परिवार के लोगों के साथ मिलें। जब तक ये सतर्कता रहेगी तो मुझे लगता है भी पहले भी हमने कोरोना को मात दी है, हम अब भी कोरोना को मात देंगे। और उसके अंदर अब तीसरी लहर का तो हमने देखा, आज ग्राफ डाउन आया और आज न्यूज़ के अंदर आ भी रहा था, अभी अच्छे अच्छे न्यूज़ चैनल पर दिखा रहे थे सारे पे, आपके चैनल के माध्यम से भी पता लगा अभी जो दिल्ली के अंदर था वो पीक निकल गया है। तो अगर हम सब लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, अपनी सतर्कता रहेंगे, तो मुझे लगता नहीं अभी इस लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। जो आम लोग हैं वो ठीक मानते हैं कि सरकार जिस तरह से कदम दर कदम अपनी रिलैक्सेशन दे रही है, लॉकडाउन की सीमाओं को कुछ और छूट दी गई है, उससे काफ़ी फायदा रहेगा। हालांकि सख्ती की भी ज़रूरत है कि कोरोना संक्रमण ना फैले। कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। कभी जो लॉकडाउन की सीमा थी 28 जनवरी तक कर दी गई है सरकार ने, कुछ हिदायतें भी उसमें और जारी की हैं, क्या देखते हैं सरकार के निर्णय को? देखो, कोरोना जो बीमारी है वो तो है ही है, पर थोड़ी बहुत ही व्यापारियों के लिए भी सहूलत होनी चाहिए। जो ये 6 बजे का टाइम है इसको थोड़ा सा बढ़ा के चाहे 7 बजे भी कर दिया जाए, तब भी इसमें व्यापारियों को सहूलत मिल जाएगी। कि लोग चाहते हैं कि जैसे जैसे बच्चों का वैक्सीनेशन पूरा हो, उनमें उनको टीके लग जाए, उसके बाद ही स्कूल खोलने की प्लानिंग की जाए। हालांकि जिस तरह से अब सरकार छूट दे रही है, या जिस तरह हम करें सपा की, जिम की या और कई संस्थान जिनको खोलने की अनुमति दी गई है, उससे कहीं ना कहीं लोग राहत महसूस करेंगे और उन्हें उम्मीद जगी है कि कोरोना का ग्राफ जिस तरह से नीचे जाएगा तो ये जो प्रतिबंध है और ढीले किए जाएंगे। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। यमुनानगर के आदिबद्री में 21 जनवरी को हरियाणा और हिमाचल के मुख्यमंत्री का होने वाला कार्यक्रम अब आदिबद्री की बजाय पंचकुला के लोक निर्माण विभाग के रेस्ट हाउस में होगा। दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के अलावा दोनों प्रदेशों के मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन धूमन सिंह किरमिच ने बताया कि मौसम में खराबी की वजह से कार्यक्रम का स्थल बदलकर पंचकुला रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस दिन सीएम मनोहर लाल हरियाणा को सौगात देंगे। यमुनानगर के आदिबद्री क्षेत्र में सरस्वती का उद्गम
स्थल है और उद्गम स्थल के नज़दीक ही दोनों प्रदेशों हरियाणा और हिमाचल की सीमा पर एक बांध बनाया जाना है जिसमें हिमाचल से आने वाली नदियों का और सरस्वती नदी का जल इकट्ठा होगा और वो समय समय पर हरियाणा में किसानों और अन्य कार्यों के लिए उपलब्ध रहेगा। वहीं हरियाणा में इन इलाकों में आने वाली बाढ़ से भी बचा जा सकेगा। जी देखिए, जो कल 21 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा मनोहर लाल जी और माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के बीच में जो एमओयू आदि बदरी में 21 तारीख को रखा था, वो अब मौसम की वजह से, क्योंकि अनइवन मौसम चल रहा है, उसकी वजह से हमने वो पंचकुला में शिफ्ट कर दिया है। तो अब ये कार्यक्रम पंचकुला लोक निर्माण विभाग यहाँ जो रेस्ट हाउस है उसमें किया जाएगा और सभी डिग्निटरीज को आज हम यही इसी जगह का ही हम एड्रेस दे रहे हैं ताकि यहीं पर हम सभी पहुंच पाए। और बहुत अच्छा विषय हमारे लिए है कि दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री शामिल इसमें होंगे और दोनों प्रदेशों के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी और पूरा जो प्रशासन है इसमें शामिल होगा, ताकि इस एमओयू को एक तरह से हमारे लिए, हरियाणा सरकार के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी सौगात दे रहे हैं, इस सौगात को बहुत अच्छे एक त्यौहार के रूप में मना सकें, इसको लेकर इस कार्यक्रम का हमने आयोजन किया। जिले में यूरिया खाद के लिए किसानों को भटकना पड़ रहा है। पुरानी अनाज मंडी में जैसे ही यूरिया आने की सूचना किसानों को मिली, काफी समय में किसान वहां पहुंच गए। यूरिया के लिए मंडी में किसानों की लंबी लाइन लग गई। किसानों का कहना है कि पिछले दिनों हुई बारिश के बाद गेहूं की फसल में यूरिया डालनी है, लेकिन उन्हें यूरिया नहीं मिल पा रहा है, जिससे गेहूं की फसल में नुकसान हो रहा है। कई दिनों में वो यूरिया के लिए चक्कर काटते हुए नजर आए। पहले तो डी ए नी पी में नहीं आया, फिर यूरिया जरूरत पड़ी, यूरिया मिलता नहीं, रोजे धक्के खाने पड़े हैं। अभी क्या हाल है, आज एक गाड़ी है, एक आदमी कितने खड़े, यानी कि परेशानी है। परेशानी देख, परेशानी गया कड़े, इतना यूरिया आया करता, कहाँ गए रेल ना, रेल आया करती, वो कड़ा गया, कौन खाए गए। भिवानी में नियम 134 के तहत दाखिला नहीं देने वाले दो स्कूलों के खिलाफ शिक्षा विभाग ने शो कॉज नोटिस भेजे हैं। शिक्षा अधिकारी ने बताया कि स्कूलों ने अभी तक पोर्टल पर सीट नहीं दिखाई है, जिसमें से एक भवानी खेड़ा और दूसरा करो ब्लॉक का स्कूल है। इन दोनों स्कूलों के खिलाफ शिक्षा विभाग ने सख्त कदम उठाते हुए शो कॉज नोटिस भेजा है। अगर पोर्टल पर सीटें नहीं दिखाई तो विभागीय कार्रवाई के लिए निदेशालय का लिया जाएगा। साथ ही साथ जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ने कहा कि नियम 134A के तहत जिले में कुल 2184 बच्चों ने दाखिले के लिए आवेदन किए हैं, जिसमें से अब तक 1289 दाखिल हो चुके हैं, 842 दाखिल रिजेक्ट कर दिए गए हैं। वहीं 53 छात्र ऐसे हैं जो अभी तक दाखिले से वंचित है। जल्द इन छात्रों को भी नियम 134A के तहत स्कूल अलॉट कर दिए जाएंगे। अब 3-4 स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक तो बवानी खेड़ा का लाल बहादुर शास्त्री स्कूल है और एक कैरू का आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। ये स्कूल विशेष तौर पर जो है बच्चों को एडमिशन नहीं दे रहे हैं, इनको नोटिस जारी किए हैं हमने, एक फाइनल नोटिस हमने कल जारी किया है और आज उसका जवाब हम ले रहे हैं। उसके बाद अब ये जितने भी डिफॉल्टर स्कूल हैं जो बच्चों को दाखिला नहीं दे रहे, इनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए मामला निदेशालय को भेज दिया जाएगा। हरियाणा में शिक्षण संस्थान खोलने की मांग को लेकर छात्र सड़कों पर उतर गए हैं। संयुक्त छात्र मोर्चा हरियाणा के छात्रों ने सड़क पर उतरकर जमकर नारेबाजी की है। छात्रों का कहना है कि शिक्षण संस्थान बंद होने की वजह से लगातार विद्यार्थियों का नुकसान हो रहा है, जिसके बाद विद्यार्थियों ने सरकार को 26 जनवरी तक का अल्टीमेटम दे दिया है। उनका कहना है कि अगर 26 जनवरी तक शिक्षक संस्थान नहीं खोले गए तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। देखिए, जब सरकार की सरकारी बसें चल सकती हैं, बाजार खुले हैं, और ठेके खुले हैं, रैली हो सकती हैं, राजनीतिक प्रोग्राम हो सकते हैं, सरकारी प्रोग्राम हो सकते हैं, 500-500 लोगों के साथ, 5-5 हज़ार लोगों के साथ, तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं वो क्यों नहीं खुल सकते? क्या बताइए, क्या सर जो कोरोना है क्या वो सबसे पहले एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आता है और कहीं नहीं जाता? तो हमारी सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को खोलने का काम।
कोसली में स्वीकृत मासिक वेतन नहीं मिलने पर भगत फूल सिंह महिला यूनिवर्सिटी के एक लेक्चरर्स ने यूनिवर्सिटी के गेट पर ताला जड़ दिया है और यूनिवर्सिटी पदाधिकारियों पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। धरने पर बैठे लेक्चरर्स ने यूनिवर्सिटी के पदाधिकारियों पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया, कहा कि एक साल पहले यूनिवर्सिटी के वीसी और बाकी पदाधिकारियों की मौजूदगी में वादा किया गया था कि उन्हें दिसंबर 2021 में स्थायी लेक्चरर की तरह 25,000 की बजाय 57,000 रुपये मासिक वेतन मिलेगा, बाकी सुविधाएं भी मिलेगी, लेकिन इस बार भी उन्हें पुराना मासिक वेतन ही दिया गया है। जब तक उनका वेतन नहीं बढ़ेगा तब तक ना ऑनलाइन क्लास लगेगी और ना ही इनका धरना प्रदर्शन खत्म होगा। अपनी पावर का यूज करते हुए सेक्शन 11 के क्लोज 6 के अकॉर्डिंग जितने भी अस्थायी सहायक प्रोफेसर हैं उनका वेतनमान 57,700 किया था, जिसके लिए वाइस चांसलर से के मौजूदगी में जितने भी पदाधिकारी थे, कुल सचिव, कुलपति, जितने भी अन्य अधिकारी थे विश्वविद्यालय के, सभी ने अस्थायी जो प्रोफेसर्स हैं इनका वेतन 57,700 किया था। लेकिन दो बार आश्वासन देने के बाद, इससे पहले भी हम दो बार स्ट्राइक कर चुके हैं, वीसी का आश्वासन हम ले चुके हैं, हमें ये आश्वासन दिया गया था कि दिसंबर माह की सैलरी जो है आपकी पूरी 57,700 आपके अकाउंट में डाली जाएगी, लेकिन उसके बावजूद अभी जितने भी और डिपार्टमेंट्स है, खरल हमारा जो रीजनल सेंटर है वहाँ पे यूनिवर्सिटी के भी कुछ डिपार्टमेंट्स है जिनके अंदर क्या है कि अब इस महीने का वेतनमान दोबारा से 25,000 दिया गया है, तो उसी के विरोध में हम यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हमारी यूनिवर्सिटी से और जितने भी प्रशासन के अधिकारी हैं, इवन जो हमारा सर्व कर्मचारी संघ है, इनकी मौजूदगी में इस बात की सहमति हुई थी, बावजूद उसके हमें 25,000 ही दिए जा रहे हैं, तो उसी का प्रदर्शन करने के लिए हम सभी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। नूह में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे विकास की नई इमारत लिखेगा। जिला उपायुक्त ने कहा कि ये हाईवे नूह जिले के 47 गांवों के बीच से निकाला जा रहा है। इससे न सिर्फ किसानों को भारी भरकम मुआवजा मिला बल्कि यहां भविष्य में कई बड़े औद्योगिक हब खोले जाने की योजना है। एक्सप्रेस हाईवे पर तेजी से काम चल रहा है, जल्द ही इसे जगह जगह से शुरू किया जाएगा। आने वाले समय में यहाँ काफी उद्योग, वेयर हाउस सहित तरह तरह की इंडस्ट्री शुरू होगी। हाईवे से नूह का भविष्य सुनहरा है, ये पूरे नूह को क्रॉस करता हुआ निकल रहा है। इससे यहाँ विकास की अपार संभावना है। करीब 900 किलोमीटर लंबे इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर साल 2019 में काम शुरू हो गया था और तेजी से चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब अपना मऊ चौपटा की रैली में आए थे तब भी बहुत से लोगों ने डिमांड की थी, बाद में भी आए थे जी कि मरोड़ा के आसपास वहाँ पे कट होना चाहिए। वो मांग अपनी जगह जायज है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जितना बड़ा ये प्रोजेक्ट है जो दिल्ली से मुंबई की कनेक्टिविटी की जो दूरी है वो लगभग 100 किलोमीटर तो डिस्टेंस को ही कम करता है। हमारे जिले में दो जगह पर तो उसकी कनेक्टिविटी ऑलरेडी है, तो केवल यही नहीं है कि जहाँ कट है वहीं पर कोई लैंड एस्केलेशन होगा, ये पूरे जिले के लिए है। हर दोनों कट जो है पूरे जिले में 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में है पूरे इलाके। कैथल के सीवन गांव के लोगों ने तीन विभागों पर करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 5 सालों में गांव की गलियों में नालों के निर्माण के लिए सरकार से लगभग 54 करोड़ की ग्रांट आई थी, जिसमें बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया है। गांव की कोई भी गली ठीक से नहीं बनाई गई है और कहीं गली तो ऐसी है जो कई कई बार रिकॉर्ड में चढ़ाई गई है। यही नहीं, ग्रामीणों का यहां तक कि आरोप है कि अधिकारियों ने आपसी मिलीभगत करके एक कार्य को अपने रिकॉर्ड में तीन बार चढ़ा दिया गया है और वहीं उसकी राशि हड़प कर ली गई है, जबकि वो गली या नाला अभी तरह पूरी तरीके से ठीक भी नहीं हुआ है। जगह जगह गांव में अभी नाली व्यवस्था खस्ता हाल में है, जिससे सभी ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि वो पिछले 4 सालों से इस विषय को लेकर अधिकारियों को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक भी इस विषय को लेकर के कोई जाँच नहीं हुई है। ग्रामीणों ने तीन विभागों पर आरोप लगाए हैं, जिसमें ग्राम पंचायत, जिला परिषद और जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी शामिल हैं। उनका कहना है कि इन तीनों विभागों ने एक ही कार्य को अपने अपने रिकॉर्ड में चढ़ाकर सरकार की करोड़ों रुपए की राशि का गबन किया है। देखिए, जो पब्लिक वेलफेयर है उसका ध्यान रखना सबसे अनिवार्य है। कुछ लोगों ने शिकायत करी कि सीवन में कुछ गलियों का काम, कुछ पब्लिक हेल्थ की पाइपलाइन का काम, कुछ एसटीपी का काम
ठीक से नहीं हुआ है। लिखित शिकायत भी आई है, इसके लिए मैंने इंजीनियरिंग विंग के अफसरों को और शिकायतकर्ता को बुलाया भी है। इसमें मैंने एससी को इंचार्ज बनाया है कि वो मौके पे विज़िट करके अपनी लिखित रिपोर्ट इस बारे में मुझे दें। और महिला चिकित्सक से बदतमीजी मामले में आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA ने कड़ा संज्ञान लिया है। इस संबंध में महिला थाना पुलिस को शिकायत दी जा चुकी है, पुलिस उसकी गिरफ्तारी नहीं कर रही है। इसी के चलते IMA की बैठक में फैसला लिया गया है कि अगर आरोपी नंबरदार भूपेंद्र सिंह और उसके अन्य साथियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो प्रदेश स्तर पर IMA के सदस्य डॉक्टर आंदोलन करेंगे। इसको लेकर चिकित्सकों का प्रतिनिधि मंडल पुलिस अधीक्षक से भी मिल चुका है और प्रदेश भर के डॉक्टरों से संपर्क भी किया जा रहा है। देखो, ये जो आदमी है बिंदर सिंह नंबरदार, ये सीरियल मिस्चीवर है। ऑलरेडी ये 5-6 अस्पतालों में पहले भी ये हरकतें कर चुका है। ये आपके संज्ञान में भी होगा और लोगों को भी शायद ना पता हो, तो मैं बता दूं, इतना सब कुछ करने के बाद भी कल भी उसने बाहर खड़े होके फेसबुक लाइव में ये कहा है कि अस्पतालों को चाहिए कि ये यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन रैकेट शुरू करें, 8-10 जनानियाँ ले आके यहाँ पे धंधा करवाएं। क्या आप ये सभ्य समाज में ऐसी चीज़ें आप बर्दाश्त कर सकते हैं? मिले तो उन्हें, मैं अश्योर किया था, तो हम आज का दिन वेट करते हैं, उसके बाद फिर जाके उनसे मिलेंगे, फिर जैसा हमारे जो है IMA की मीटिंग के बाद वो फैसला होगा वो किया जाएगा। मतलब तो स्टेट IMA से भी हमारे को सपोर्ट बहुत अच्छी मिल रही है, उन्होंने भी कहा है कि कल तक अगर नहीं होता तो स्टेट के IMA प्रेजिडेंट सेक्रेटरी भी यहाँ पहुँचने की पूरी पूरी उम्मीद है, या फिर वो जूम पे जो मीटिंग होगी, तो ये मुद्दा तो काफ़ी ऊपर तक जाएगा। अरेस्ट इलाज वाला तो हमने कर ही लिया, उनकी जो डिमांड थी वो तो हमने ह्यूमैनिटेरियन बेस पे कर ही लिया, हम तो चाहते हैं अरेस्ट हो। 22 जिले 22 खबरों में फिलहाल इतना ही, बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।